एक ऐसा मुल्क है जो दूसरों के भीतर खौफ भरने के लिए हमेशा आतंक का सहारा लेता है, आतंकी साजिश रचता है। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है पाकिस्तान का कि लगातार वहां की जनता इस वक्त दहशत में है, खौफ में है, वहां के प्रधानमंत्री खौफ में है। और आखिर कौन ऐसा शख्स है जो उनको खौफ दिला रहा है? पाकिस्तान वो मुल्क है जो दूसरों के लिए नफरत और आतंकी साजिशें बुन रहा था, और आज वो खुद एक शय के खौफ के साए में है। वो ऐसी शय है जिसने सब चाहा तब पाकिस्तान को दहला दिया, और आज उसी शय ने एक बार फिर से पाकिस्तान की शरीफ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर पाकिस्तानी सरकार ने उसके साथ वादा खिलाफी की तो पूरा पाकिस्तान उसके निशाने पर होगा। आखिर ये शय है कौन जिसने पाकिस्तान में ऐलाने जंग कर दी है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पाकिस्तान में ऐलाने जंग। मैं इस बात को वाजह कर चुका हूँ, लिहाजा हम अपने आज़ाद हैसियत को ख़त्म करने का इख्तियार किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकते। आतंक की आग में जलेगा पाकिस्तान। तमाम मुजाहिदीन से मेरी ये गुजारिश है और ये अपील है कि वो इस मकसद के लिए हमेशा तैयार रहे। पाकिस्तान में शुरू होगी सिविल वॉर। जंगों के नतीजे में बिलाखिर लोग मुज़ाकरात पे आते हैं और मेज़ पे आते हैं, लेकिन मेज़ पर जब हम मैदान जंग में अभी तक फतह के साथ हम किनार हो रहे हैं। शरीफ को आतंकी अल्टीमेटम। जिस मकसूद के लिए बना था उस मकसूद के लिए इंशाल्लाह हम मरते दम तक अपनी काविश और अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, और इसके लिए तमाम मुजाहिदीन से मेरी गुजारिश है और ये अपील है कि वो इस मकसद के लिए हमेशा तैयार रहे। वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन उसी गड्ढे में खुद गिरते हैं। आज की तारीख में आतंकी तंजीमों और आतंकी सरगनाओं को पालने वाले पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी संगठन और उसके सरगना पूरी दुनिया के सामने कई बार पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए शर्मिंदगी का बायस बन चुके हैं, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान ने कभी इससे कोई सबक नहीं सीखा। हिंदुस्तान में नफरत और आतंकी साजिशें रचने वाले पाकिस्तान की शरीफ सरकार के लिए खुद उसकी ही सरजमी से एक बुरी खबर आई है, खबर पाकिस्तान में ऐलाने जंग की। दरअसल पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने शरीफ सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम उससे वादा खिलाफी करने की एवज में जंग के लिए तैयार रहने का। मकसूद के लिए बना था उस मकसूद के लिए इंशाल्लाह हम मरते दम तक अपनी काविश और अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, और इसके लिए तमाम मुजाहिदीन से मेरी ये गुजारिश है और ये अपील है कि वो इस मकसद के लिए हमेशा तैयार रहे। के लिए तमाम मुजाहिदीन से मेरी ये गुजारिश है और ये अपील है कि वो इस मकसद के लिए हमेशा तैयार रहे। कुछ सुना आपने, ये पाकिस्तान की शरीफ सरकार के लिए खुला चैलेंज, खुली धमकी और खुला अल्टीमेटम। और जिस शख्स ने पाकिस्तान की सरकार को खुलेआम जंग के लिए तैयार रहने की धमकी दी है वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आतंकी तंजीमों में से एक यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आका मुफ्ती नूर वली महसूद है। मुफ्ती नूर वली महसूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरगना। मुफ्ती नूर वली महसूद ने पाकिस्तान को भेजा आतंक का पैगाम। मुफ्ती नूर वली महसूद ने किया पाकिस्तान से जंग का ऐलान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सरगना मुफ्ती नूर वली महसूद के ऐलान का मतलब है कि पाकिस्तान पर कत्लोगारत के बादल एक बार फिर मंडरा रहे हैं। एक बार फिर आतंक के एक बड़े आका ने पाकिस्तान को दहला देने की तैयारी कर ली है।
एक बार फिर पाकिस्तान में दहशत की नई कहानी लिखी जाएगी। मुतालबात तो बहुत वाज है और बिलखसूस फाटा इंजमाम का मसला, तमाम मुतालबात में फाटा इंजमाम का मसला। पाकिस्तानी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर वो अपने रुख पर कायम रही तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीटीपी पाकिस्तान में हुए कई भीषण आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार है और टीटीपी के निशाने पर अक्सर पाकिस्तानी सेना ही रही है। खैबर पख्तूनख्वा को तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गढ़ माना जाता है। इसके आतंकी पाकिस्तान में वारदात को अंजाम देने के बाद सीमा पार कर अफगानिस्तान भाग जाते हैं। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में कई बड़ी वारदात को अंजाम देकर दहला चुके हैं। साल 2007 बेनजीर भुट्टो की हत्या, साल 2008 मैरियट होटल में आत्मघाती हमला, साल 2012 मलाला यूसुफजई पर कातिलाना हमला, साल 2014 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला, साल 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकी हमला, साल 2018 पाकिस्तान में चुनावी रैलियों में आतंकी हमले। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी वो खतरनाक आतंकी संगठन जिसकी बुनियाद पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की सरमाएदारी में रखी गई थी। मकसद था अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करना, लेकिन वक्त ने कुछ ऐसी करवट बदली कि आज पाकिस्तान खुद अपनी बुनी साजिश के जाल में उलझ गया है। जिस आतंकी संगठन की बुनियाद उसने दूसरे देशों को दहलाने के लिए रखी, आज वही आतंकी संगठन उसका सबसे बड़ा सरदर बन चुका है और जब चाहे जैसे चाहे और जहां चाहे वहां अपनी आतंकी हमलों से पाकिस्तान को दहला रहा है। पाकिस्तान के सियासतदान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना भी पाकिस्तान की आतंकी तंजीमों से खौफ खाती है। इसकी एक मिसाल आपको बताते हैं। आतंकियों के सामने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पहचान और ओहदे की धमक भी फीकी पड़ चुकी है। दरअसल जनरल बाजवा 13 जून से 17 जून तक फ्रांस के दौरे पर गए थे। जनरल बाजवा इस दौरान फ्रांस में चल रहे एक रक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, मगर हैरानी इस बात की है कि उनके इस दौरे का जिक्र कहीं नहीं हुआ। उनके फ्रांस दौरे को इतना खुफिया रखा गया कि फ्रांस में पाकिस्तानी दूतावास को भी जनरल बाजवा के दौरे की खबर नहीं थी। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक जनरल बाजवा चाहते थे कि फ्रांस के उनके दौरे को लो प्रोफाइल रखा जाए। दरअसल बाजवा नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के इस्लामिक चरमपंथियों को उनके फ्रांस के दौरे की भनक भी लगे, क्योंकि पाकिस्तान में चरमपंथियों का मानना है कि फ्रांस इस्लाम विरोधी है। दरअसल पाकिस्तान आर्मी के मीडिया विंग को भी कहा गया था कि जनरल बाजवा के दौरे की जानकारी किसी को ना दी जाए, लेकिन फिर भी जनरल बाजवा के फ्रांस दौरे की खबर बाहर आ ही गई। लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल साजिश का खुलासा भी हो गया। यूरोपीय देश इटली में यूरोपोल यानी यूरोपियन पुलिस ने आतंकी साजिश रचने के आरोप में 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तमाम संदिग्ध पाकिस्तानी मूल के हैं। आरोप के मुताबिक ये सभी पाकिस्तानी कट्टरपंथी यूरोप के रास्ते इसराइल में घुसने की साजिश रच रहे थे। इटली की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी चरमपंथियों की साजिश का खुलासा किया। गिरफ्तार किए गए सभी लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंचे थे। खबर के मुताबिक पकड़े गए सभी संदिग्ध एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ग्रुप का नाम गब्बर बताया जा रहा है। इटली की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के कट्टरपंथी गैर कानूनी तरीके से यूरोपीय देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो इसराइल भी पहुंचने की कोशिश में है। इटली में गिरफ्तार संदिग्धों के जिहादी गुटों से करीबी संबंध है और पिछले 2 साल में यूरोप की जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के खिलाफ मुहिम चला रखा है, जिनमें ये बात सामने आई है कि इटली में पाकिस्तान के कट्टरपंथी सक्रिय हैं और आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
पेरिस में साल 2020 में शार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हुए आतंकी हमले की जांच के दौरान आरोपियों के पाकिस्तानी कनेक्शन की जानकारी भी सामने आई थी। यूरोपीय जांच एजेंसियों का मानना है कि यूरोप में कट्टरपंथियों की तादाद बढ़ाने में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा हाथ है, यानी पाकिस्तान की इंटरनेशनल साजिश भी परत दर परत अब पूरी दुनिया के सामने खुलने लगी है। दरअसल पाकिस्तान अब एक ऐसे दो राहे पर खड़ा है जहां से उसे किसी एक रास्ते को चुनना पड़ेगा। इनमें से एक रास्ता है कि अपने हाथों पाले आतंकी तंजीमों और आतंकी सरगनाओं का खात्मा, और दूसरा है आतंकी सरगनाओं का हाथ थाम कर रखना। अगर पाकिस्तान दूसरा रास्ता चुनता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का वजूद ही मिट जाए।